ये आ चुके हैं हमारे छोले चावल और सबसे पहले मैं खा रहे हूं। सबसे पहले खा रहे नीशू मामा। कैसे मामा? कैसे पता लग रहा है? हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो फॉर डनिया। दोस्तों आज मैं फिर से आया हुआ हूँ हरिद्वार में। बताते हैं हमारे ये मालपुए और ये हलवा। हलवे का पत्ता आपको 30 रुपए का मिलेगा, प्रॉपर पत्ता जो है। और ये रही हमारी सामने पूड़ियाँ जो पत्तों में सर्व होती हैं, कचौड़ियाँ भी हैं, समोसे भी हैं। और वो बहुत सारी पूड़ियाँ यहाँ पे कंटिन्यूस चल रही है। मैं आपको एक भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भीड़, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जस्ट ही नहा के आए हैं और बिल्कुल थके हुए हैं तो भूख लग जाती है। और बिल्कुल कॉर्नर पे ये शॉप लोकेटेड है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स में से एक है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं पूरी का पत्ता और साथ ही साथ अपना एक टेस्टी सा हलवा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए सब्जी और पूड़ियाँ लग रही है, संग में लग रही है खस्ता कचौड़ी। बिलीव मी, इस जगह की खस्ता कचौड़ी खा के बिल्कुल मज़ा आ जाता है। वो बहुत सारी भीड़ में यहाँ पे बैठने की भी जगह ना मिले। ये बनना है हमारा पापड़ी चाट का पत्तल, बेसिकली प्लेट बन रही है हमारी। ये किस चीज़ का पत्ता है अंकल? ये मालू का पत्ता है। मालू का? मालू का, ये रायवाला के जंगल में होता है। ओके। और इसके बहुत बड़े बड़े झाड़ होते हैं ऊपर तक। और ये हाथी की जो है पसंदा डिश है ये। अच्छा, इसे हाथी खाते हैं बेसिकली? हाथी, हाँ। अरे वाह। और इसकी जो डंठल होती है ना, हाँ, बेसिकली जो इसकी डंठल होती है ऊपर ये यहाँ पर, वो बहुत मीठी होती है। अच्छा। और इसके ऊपर कभी कभी चींटियाँ भी जो है इसको भी पौष्टिक आहार है, इसलिए हाथी और चींटी की कहानियाँ बनती है ज्यादा। ये हमारे यहाँ की स्पेशल दही है, ये पापड़ी चाट है। ये पापड़ी आपने इसके अंदर भिगो दी पहले एक बार, बढ़िया। चलिए, ये हमारा दही बड़ा स्पेशल। ये आपका दही बड़ा? हाँ जी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने नमक के पानी में भिगो के रखा? नमक के पानी, नमक के पानी। ये भी गया दही के अंदर और ये आ गया। इस पापड़ी को जो है, ये जो पापड़ी है हमारी, इसको मैजिक चाट भी कहते हैं। अच्छा, मैजिक चाट क्यों? ये बिल्कुल लाइट होती है। अच्छा। इसकी अगर आप 5-6 पीस भी खा लेंगे, हाँ, तो उसके बाद भी आपको भूख लगी रहेगी। मतलब इतनी लाइट चाट है हमारी है। फिर तो मेरे जैसों के लिए बहुत अच्छी बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये बिल्कुल है, ऑयली नहीं है ज्यादा। हाँ। ये जीरा मसाला हमारा, चाट मसाला स्पेशल, जैन चाट स्पेशल है ये। ओके, तो ये मसाले की रेसिपी नहीं पता लगने वाली है किसी को भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस नॉर्मल है, बस ये हमारी सॉर्ट है। किस चीज की है ये? ये आम एंड ड्राई मैंगो है ना, अमचूर। हाँ हाँ। और खजूर की है ये, खजूर और ड्राई अमचूर की। हाँ जी, ड्राई मैंगो, अमचूर। और ये पुदीना चटनी है। ये पुदीना चटनी हल्की सी, ये बहुत कम डलती है। हाँ, बस स्वाद के लिए, स्वाद के लिए डलती है। और ये दही एक्स्ट्रा हमारे इसमें, बढ़िया। बेसिकली दही और सॉल्ट का ही स्वाद है चाट में। हाँ। और मैंने सुना है आपकी चाट को आयुर्वेदिक चाट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब घर के मसाले पीसे हुए हैं। हमारी जो घर की रसोई है असल में वही आयुर्वेदिक होती है। ओके। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अंकल के पास एक सर्टिफिकेट भी है इस चीज का। ये देखिए, आयुर्वेदिक महोत्सव में अंकल को सर्टिफिकेट मिला है कि इनकी चाट जो है वो आयुर्वेदिक होती है प्रॉपर। और ये है ओवरऑल चाट की जो पूरी शक्ल है आपके सामने। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चाट को टेस्ट करके आपको बताते हैं। पकौड़े की दुकान पे और मैं जस्ट अभी अभी गंगा जी में एक डुबकी लगा के आया हूँ ठंडे ठंडे पानी में। तो अब पकौड़े हम कौन कौन से खाने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप पकौड़ों की प्लेट देखिए कितने अच्छे से सजा रखी है मैंने। ये आप थोड़ा पास आइए एक बार ज़रा सा। यहाँ पे हम लोग के पास है कटहल का पकौड़ा, ये है हमारा कमल ककड़ी का पकौड़ा, ये है बैगन का पकौड़ा, प्याज पकौड़े, पनीर पकौड़े, मिर्ची पकौड़े, और ये पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े, बहुत सारे पकौड़े हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये है जैसे हमारे कटहल का पकौड़ा, ये है हमारे पालक का पकौड़ा, कमल ककड़ी के पकौड़े, ये रहे आप देख सकते हैं, 6-6 दिन की पहचान है। और ये साथ में आ चुकी है हमारी चटनी। चटनी है जैसे मैंने आपको बताया पुदीने की और इमली की हल्की सी। तो आई होप ये खाने में टेस्टी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसके टेस्ट लेते हैं एक बार। इस समय मेरे संग मेरे पापा खड़े हुए हैं जो मुझे इन पकौड़ों को फिनिश करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप कमल ककड़ी का पकौड़ा खा रहे हैं पापा, और आज वो आपको रिव्यू देंगे। कैसा है पकौड़ा? बस बढ़िया। एक बार मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ। और ये मैंने कटहल का पकौड़ा लिया है आपके सामने। कटहल का पकौड़ा इस समथिंग मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने नहीं खाया था सही में कभी भी, तो मुझे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी है।
बाकी एक तो चीज़ अभी पापा ने खाई है कमल ककड़ी, मैंने गुड़गांव में एक बार टेस्ट करी है, एक बार मैं यहाँ आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। हरिद्वार में इतने अच्छे पकौड़े भी होते हैं, आप में से बहुतों को नहीं पता होगी, इवन मुझे भी नहीं पता थी कुछ टाइम पहले तक कि हरिद्वार में इतने अच्छे अच्छे पकौड़े मिलते हैं। तो गाइस अगर आप कभी हरिद्वार आते हैं, बड़ा बाज़ार आते हैं, तो इस जगह का लोकेशन लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा।